हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है उसमें बड़ा सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज हैवियर, एयर या स्टीम। एयर भारी है या स्टीम भारी है? अगर आप एयर को भारी बता रहे हो तो क्यों, स्टीम को भारी बता रहे हो तो क्यों, तो इसको आपको बताना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और किसी भाई ने मुझसे पूछा है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे बता दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको पता लगाना है कि एयर भारी है या स्टीम, तो सबसे पहले आप ये जानो कि एयर जो है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें 78% तो हमारा नाइट्रोजन है और हमारा ऑक्सीजन की अमाउंट जो है मैक्सिमम 21% है। तो जो ये एक तरह से रिसर्च से जो एयर का मॉलिकुलर वेट निकाला गया, तो वो निकाला गया दोस्तों कितना, अगर एयर का मॉलिकुलर वेट आप नेट पे सर्च करोगे कहीं भी, तो वो बताएगा कि 28.9647 ग्राम पर मोल। यानी कि इसने पूरे के पूरे नाइट्रोजन को लेके एयर को ऐसा माना है कि एयर में हमारा मैक्सिमम नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन के मॉलिकुल्स को ही लेके निकाल दिया, 28.9647 ग्राम पर मोल। अगर दोस्तों स्टीम की बात करें तो स्टीम जो है बेसिकली वाटर से ओरिजिन हुई है। वाटर को हम बॉईल किए तो आफ्टर वेपराइजेशन हमारी स्टीम बनी। तो जो मॉलिकुलर वेट ऑफ स्टीम है वो कितना होगा दोस्तों, 18। तो आप यहीं से ही पता लगा सकते हो कि कौन सा हैवी होगा, कौन सा भारी होगा। जिसका मॉलिकुलर वेट अधिक होगा वो ऑब्वियसली वो क्या होगा दोस्तों, भारी होगा। तो यहाँ पे हमारा अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो हमारा जो है एयर जो है स्टीम से क्या है दोस्तों, भारी है, और स्टीम क्या है, एयर के अपेक्षा हल्की है। तो एक तो ये हो गया। अगर हमें इसे प्रैक्टिकल वे में समझना है तो कैसे समझेंगे? जैसे इसने मान लिया कि नाइट्रोजन जो है हमारा हैवी है, तो नाइट्रोजन को अगर हम प्रैक्टिकल वेस में देखें, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिकुलर वेट को ही लेके एयर के मॉलिकुलर वेट को बता दिया, तो हमें क्या बताना है, जो हमारा फैक्ट है उसे ही बताना है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो आप देखते होंगे कि जब हम नाइट्रोजन से किसी भी सिस्टम को पर्ज करते हैं, सपोज करो कि ये कोई वेसल है, वेसल में हमारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर मॉइस्चर हमारा दोस्तों किस चीज़ का कंपोजिशन होता है, H2O का, और H2O से हमारी स्टीम बनी है। तो जैसे ही आप नाइट्रोजन इस वेसल में डालते हो दोस्तों, तो वो क्या करती है कि इसमें जितने भी मॉइस्चर हैं या वाटर है सबको ड्राई रिमूव कर देती है, सबको यहाँ से दोस्तों वेंट आउट कर देती है। वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल को तुरंत रिपल कर देंगे, मतलब इसे बाहर कर देंगे, इसे पूरी पूरी की पूरी तरह ड्राई कर देंगे, मॉइस्चर फ्री कर देंगे। तो जब मॉइस्चर फ्री कर दे रहे हैं तो इसके पीछे क्या फिनोमिना है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल मॉलिकुलर वेट अधिक है और ये जो है हैवी है इनके, तो ये क्या करते हैं हल्के, आप जानते हो कि कोई भी चीज़ भारी है तो हल्के चीज को हटाता जाएगा अपने रास्ते से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स अपना स्थान घेरेंगे और जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे, और इस तरह हमारा जो ये वेसल है वो पूरी पूरी तरह से मॉइस्चर फ्री हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि एयर को साइंटिस्टों ने नाइट्रोजन को लेके ही चला, तो नाइट्रोजन को एक व्यवहारिक जीवन में आप जानते हो कि किसी भी रिएक्टर हो, किसी भी वेसल हो, डिस्टिलेशन कॉलम हो, अगर उसे मॉइस्चर फ्री करना है, वाटर फ्री करना है, तो आप उसमें नाइट्रोजन से प्रेशराइज कर देते हो, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है कि पूरा ड्राई हो जाता है। ड्राई क्यों हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो हैवी गैस है वो जो है हल्की गैस जैसे वाटर वाटर को तुरंत रिमूव कर देगा। तो आप इस तरह भी इसका आंसर दे सकते हो। आई होप जो है इसे आप समझ में अच्छे से आ गया होगा आपको। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप भी अपना फैक्टर रख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।